السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون محترم ديني وإسلامي अभी आपके रूबरू क़ुरान मजीद की एक करीमा तिलावत की गई है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को मखातब करके इस बात का हुक्म दिया कि ई ईमान वालों रुकू करो सजदा करो और अपने रब की इबादत करो वफ़अलुल खैरा फाखरा तुफ्लिहून और हर तरह के भले काम करो अच्छे काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ मेरे भाइयों इस आयत में हमने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम ईमान वालों को और मोमिन बंदों को अपनी इबादत का हुक्म दिया है और खसूसियत के साथ नमाज़ का हुक्म दिया है और उसके बाद कहा कि ईमान वालों की ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी में गुज़रती है और वो हर तरह के अच्छे काम करते हैं कामयाबी पाने के लिए हर तरह के अच्छे काम करते हैं उनको करना चाहिए मेरे भाइयों इस्लाम को हम बंदों से जो अच्छे काम और जो भले काम मतलूब हैं उनमें सर फहरिस्त एक काम है वो है लोगों की ज़रूरत पर उनके काम आना हाजत मंदों की हाजत पर उनके काम आना उनकी हाजत को पूरा करना ये बहुत बड़ा काम है ये बहुत ही अजीम सिफत है जिस इंसान के अंदर भी ये सिफत हो ये खूबी हो तो समझिए कि बहुत बड़ी खूबी बहुत बड़ी सिफत है मैं चंद हदीसों के हवाले से आपको बताऊंगा कि ये कितना बड़ा काम है और लोगों की ज़रूरत पर उनकी हाजत पर उनके काम आना ये कितना बड़ा अजर वाला काम है कितनी फजीलत वाला काम है एक हदीस में अल्लाह के उनसे फ़रमाते हैं कि असाई अल वल वलमस्किन कल मुजाहिद फ़ी सभी कि समाज और माशरे के बेवाओं और मस्किनों के काम आने वाला उनकी ज़रूरत को पूरा करने वाला ये मुजाहिदी सभी दिल्ली की तरह यानी वो आदमी जो अल्लाह रबुल्ज़त के रास्ते में जिहाद करता है ये शख्स जो लोगों की ज़रूरत बेवाओं की ज़रूरतों को पूरा करता है समाज और माशरे के मस्किनों की मदद करता है उनके काम आता है ये आदमी अजर व से अल्लाह इज़्ज़त के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह अरे मुजाहिद की सभी से तस्वीर नन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको वो आदमी जो लोगों की ज़रूरत पर काम आता है अब ज़रूरत की बहुत सारी शक्लें हैं समाज और माशरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं उनकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं हालात के हिसाब से मौसम के अतबार से ज़रूरतें हाजतें यह बदलती रहती हैं किसी को प्यास लगी है पानी की ज़रूरत है किसी को भूख लगी है खाने की ज़रूरत है किसी को आपके बेहतरीन मशवरे की ज़रूरत है किसी को आपकी सिफारिश की, की ज़रूरत है ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं लोग मुख्तलिफ हैं ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं हालात मौसम के अतबार से ज़रूरत बदलते रहती है तो लोगों की ज़रूरत पर काम आना ये नबी करीम सलाम ने कहा कि ऐसा शख्स मुजाहिद मुजाहिदी सभी की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप देखिए कि यह कितना बड़ा काम है और ये कितनी फजीलत वाला मतलब अमल है कि लोगों के ज़रूरत पर काम आना कि शरीयत कहती है कि यह नफली इबादतों से ज़्यादा अफजल काम है एक तरफ नफली अहतकाफ़ है नफली रोज़े हैं नफली नमाज है नफली क़्याम है शरीयत कहती है कि दूसरी तरफ ये जो लोगों की ज़रूरत पर काम आने वाले जो काम है ये जो अमल है जो सिफत है ये नफली इबादतों से ज़्यादा अफजल है एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि लान अमशी फ़ी हाजतिन किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत पर उसकी हाजत पर मैं चलूँ दो क़दम चलूँ एक कदम चलूँ मैं उसके साथ चलूँ अहबिया मिन अन आता फिहाद मस्जिद शहरा अल्लाह बर कितनी बड़ी फजीलत है नबी करीम सलात वाम कहते हैं कि मैं अपने किसी भाई की हाजत और ज़रूरत पर उसके साथ चलूँ यह मुझको मस्जिद नबवी में एक महीना एहतिक बैठने से ज़्यादा पसंद है एक महीना एहतिका अभी कहाँ मस्जिद नबवी के अंदर सोचिए इसकी कितनी बड़ी फजीलत है और यह आदमी कितने बड़े अगर सवाब का मुस्तक होता है जो किसी के ज़रूरत पर काम आता है सिफारिश की ज़रूरत है चाहिए सिफारिश कर दीजिए दो बॉल बोलने से अगर किसी का भला हो जाता है जाइए दो बॉल बोल, बोल दीजिए दो कदम चलने से अगर किसी के हक़ में अगर कोई अच्छाई पहुंच जाती है तो मेरे भाई दो कदम चलने में क्या जाता है क्या जाता है अगर आपका कोई मुसलमान भाई है और आपको उसकी ज़रूरत है आ, वो आपकी ज़रूरत का मोहताज है वो कहता है कि चलिए सिफारिश कर दिए मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा जाइए दो कदम चल दीजिए मेरा फला काम हो जाएगा चल जाइए हाँ एक महीना एहतिक मस्जिद नबी में एक महीना एहतिकाफ़ बैठने से ये ज़्यादा बेहतर अल्लाह के नबी बात कहते हैं आज हम लोग मुसलमानों के आपसी इतिहाद के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं बड़ी बड़ी बातें होती हैं बड़े बड़े मशवरे होते हैं कि कैसे इतिहाद पैदा हो कैसे भाईचारगी पैदा हो मेरे भाई जो पहले अपने मामला को तो देखें हमारे जो आपसी जो मामला है क्या वाकई में ये इतिहाद के रास्ते पर ले जाने वाले हैं हमारे जिस तरीके से आपसी मामला है क्या वाकई में इससे भाईचारगी पैदा हो सकती है आज देखिए किसी आदमी को बोल दीजिए कोई कारोबार कर रहा हो आप उससे खाली बोल दीजिए कि आप बड़ा अच्छा कारोबार कर रहे हैं अब काफ़ी तजर्बा है कुछ तजुर्बे आप हमको बतौरे मशवरा दे दीजिए हमको फला जगह मार्केट के रहनमाई कर दीजिए कि फ़ला जगह मार्केट माल कहाँ से लेते हैं आप बता दीजिए मैं भी ज़रा वहाँ से जाके दो पैसे कमा लूँ देखे नहीं बताएगा आपको तो फिर कहाँ से इतिहाद इतफाक़ की बात करते हैं किस मुँह से हम भाईचारे की बात करते हैं हमारे अंदर अपने भाई की ज़रूरत का ख्याल नहीं है और उसकी ज़रूरत पर काम आने का हमारे अंदर जज्बा नहीं है तो फिर मेरे भाइयों वो भाईचारगी की बात इतिहाद उतफाक़ ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन हैं और दूसरी चीज़ मेरे भाइयों कि हम जो दूसरे के काम आते हैं ना नबी करीम सलाम कहते हैं कि आदमी दूसरों के काम आकर खुद अपने काम आता है खुद अपने काम आता है कैसे काम आता है अल्लाह के में हजीज़ फरमाते हैं कि इन <स्याँगा> किसम बिन नामी लेनाफेबाद कि अल्लाह रब्जत अपने बंदों में से कुछ बंदों को सेलेक्ट कर लेता है चुन लेता है उनका सिलेक्शन करता है उनको अपनी नेमतें देता है क्यों देता है इबाद। ताकि वो अल्लाह इज़्ज़त के बंदों को फायदा पहुंचाए मा बजलू और अल्लाह इज़्ज़त वो नेमत उनके पास उस वक्त तक बाकी रखता है और उन नेमतों की हिफाजत करते रहता है उसको जाय होने से बचाता है उसको बर्बाद होने से बचाता है उन नेमतों की हिफाजत करता है कब तक करता है जब तक वो उस नेमत के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों को फ़ायदा पहुँचाते और जब फ़ायदा पहुँचाना बंद कर देते हैं तो नबी गसलातलाम कहते हैं फ़ैदा मनाऊ नज आह मिन हूँ जब वो लोग अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँचाना बंद कर देते हैं फ़ायदे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो फिर अल्लाह ताला क्या करता है उनसे उस नेमत को छीन लेता है वह उल्लाम और उसको दूसरों की तरफ मुंतकिल कर देता है कि तू इस काम के लायक नहीं है अब ये काम मैं किसी और से लूँगा अल्लाह ताला ये नेमत उठाकर उसको दे देता है मतलब हम दूसरों की मदद करके दूसरों की ज़रूरत पर काम आके हम अपने आप की मदद करते हैं इसीलिए मेरे भाइयों कहने का मतलब यह कि बड़ा अफजल काम है माह रमज़ान का मुबारक महीना है नेकी का मौसम बहार है बहुत सारी नकियाँ हैं ज़ाती इबादत कीजिए अल्लाह से दुआ कीजिए इबादत करते रहिए लेकिन साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कमज़ोर जो लाचार जो बेबस बेवा मस्किन अल्लाह के जो इस तरीके से जो कमज़ोर जो बंदे हैं जो मखलूक है उनका भी ख्याल रखते रहिएगा मेरे भाई को याद रखिए इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बताया कि मोमिन हमेशा मिसाली इंसान बनकर रहता है आइडियल बनकर रहता है जहाँ हाथ डालता है मिसाली बनकर रहता है जहाँ रहता है मिसाली बनकर रहता है इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादी से फरमाया कि मोमिन की मिसाल मुसलमान की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह जिस तरह खजूर का दरख्त उसका एक एक जुज पत्ता तना रेशा जड़ ये सब कुछ फ़ायदेमंद होती है सब कुछ फ़ायदेमंद है सब कुछ काम आने वाला है कहा का अल्लाब वम मोमिन और मुसलमान की मिसाल ऐसी होती है मोमिन ऐसे ही होता है तो क्या है हमें और आपको एक मिसाल इंसान बनना है अगर हम मुसलमान हैं ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक दीन दिया है ना इस्लाम जो दिया है ना तो हमको भी चाहिए कि हम मिसाली इंसान बनकर रहें जहाँ रहें और खुद की ज़िंदगी ना जिए खुदगर्ज बनकर ज़िंदगी गुजारना ये अच्छी बात नहीं है मिसाले इंसान बनकर हमें और आपको जो है जहाँ रहें वहाँ ज़िंदगी गुजारना चाहिए अल्लाह ताला मुझको और आपको जो है अमल की आमीन अदा फरमए व रहमतुल्लाहि व बरकातहू